गरीबों में मसीह को देखना और गरीबों के लिए मसीह होना मेरा लक्ष्य है। अगर मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता हूँ तो मेरे लिए ईश्वर से प्यार करना पर्याप्त नहीं है। मैं ईश्वर का और गरीबों का हूँ। ये शब्द किसी और का नहीं बल्कि उनका है जिनके आरंभिक जीवन की प्रबल इच्छा एक सफल, प्रसिद्ध एवं सुखी संपन्न व्यक्ति बनने की रहे। लेकिन प्रभु ईश्वर की योजना इनके लिए कुछ अलग ही रहे। ये हैं संत विंसेंट दे पॉल। गरीबों एवं दीन दुखियों की सेवा का बुलाहट पाने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया। इनके लिए हर साधारण चीज असाधारण बन गई। हम जानते हैं कि इनका शेष जीवन सेवा में समर्पित रहा। ये गरीबों के मसीहा कहलाए। आगे चलकर ये कई चैरिटी समुदायों के संस्थापक भी बने और अनेक धर्म संघ ने इन्हें अपना संरक्षक संत भी माना, जिसमें हमारा समाज भी एक है। तो लीजिए हमारा संक्षिप्त परिचय। हम सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट विंसेंट द पॉल के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी शुरुआत संत पिता पियूस 12वें के अनुमोदन से 6 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ। हमारे इस धर्म समाज का कोई एक व्यक्ति संस्थापक या संस्थापिका नहीं रहे हैं, बल्कि इटली में एक समुदाय की लड़कियां, जो संत विंसेंट की तरह गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित थी, इटली के ग्रिनियास्को नामक गांव की एक विधवा महिला जेरोलामा कबालोत्ता की उदारता से दिए गए संपत्ति से ये प्रेम और परोपकारिता से पूर्ण लड़कियां सेवा में इस कदर आगे बढ़ी कि अपने समुदाय को धर्म संघ की संज्ञा में परिणत कर डाली। प्रातोसेजिया नामक अन्य गांव में दूसरे समूह की नौजवान युवतियां ठीक इसी तरह के कार्यों में व्यस्त थी। इस तरह इटली के नोवारा डायोसिस के परम पूज्य बिशप जोसेफ कस्तेले के सलाह से एक उद्देश्य से निर्मित दो समुदायों का मिलन से हमारे धर्म समाज का उदय हुआ। संत विंसेंट दे पॉल हमारे संरक्षक संत के रूप में अपनाए गए। इन धर्म बहनों ने उनके मिशन कार्य को अपनाया और अबिला के संत तेरेसा की आध्यात्मिकता को अपना बनाए। छोटा नागपुर की बहनें फादर गिदो एसडीबी के अगुवाई में पहली बार 1986 ईस्वी में इटली के लिए रवाना हुई और अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद 1994 ईस्वी में दो बहनें रांची मिशन के लिए वापस भेजी गईं। लगभग 3 तक ये कोकर में किराए के मकान में रहकर अपनी सेवाएं दी। इसी दरमियान डोनबोस्को गाड़ी गांव में शिक्षिका के रूप में कार्यरत रहीं तथा होली एंजल्स चर्च कोकर में अपनी सेवाएं देती रहीं। इतिहास इसका गवाह है कि स्थानीय लोगों ने बहनों के कार्यों को बहुत सराहा। यहाँ के विश्वासियों की मदद से इस छोटे झुंड की बहनों ने गरीब बच्चों के नाम पर 1999 ईस्वी में कोकर खोरहा टोली मिशन कॉलोनी में एक स्कूल की शुरुआत किए। समय बीतता गया, बहनों ने अपने सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर 9 की मांग की। आज के तारीख में भारत में पहली बार मन्नत लेने वाले और अंतिम मन्नत लेने वाले बहनों की संख्या 38 है। हम भारत के झारखंड राज्य में 6 कम्युनिटी बना चुके हैं और आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थानों में रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस तरह संत विंसेंट दे पॉल के समर्पण और प्रेम का विस्तार हम अपने छोटे शिक्षा केंद्रों के माध्यम से बारिश के कार्यों में अपना योगदान देकर, प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सेवा देकर, वृद्धाश्रम में बुढ़ापे का सहारा बनकर, जरूरतमंदों से संपर्क रखकर,
संडे कैटेकिस्म क्लास में धर्म शिक्षा देकर तथा अन्य हमारे छोटे कार्यों के माध्यम से बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इन सेवा कार्यों में आप सभी का योगदान सराहनीय रहा है, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। धन्यवाद।